गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ सवेरे सवेरे सिद्धार्थ पढ़ाई कर रहा है, उसका डेली रूटीन है। रोज तिवारी जी उठा देते हैं उन दोनों को पढ़ने के लिए। आज विम्मी को क्योंकि स्कूल जाना है इसीलिए वो उठ गई है, अपना बैग रेडी कर रही है। उसके कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ से देखिए विम्मी रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, पूरी तरह से मास्क वास्क लगा के। और यहाँ तिवारी जी बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, नाश्ता पानी हो चुका। विम्मी पापा से पैसे मांग रही है स्कूल जाने के, क्योंकि उसका स्कूल काफ़ी दूर है तो भाड़ा लगता है। हंसी मजाक चल रहा है पापा बेटी में। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हेल्दी और खुश होंगे। तो ये अभी इस समय मैं अपना व्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और चलते हैं किचन में। इवनिंग टाइम हो गया है, 7 से ऊपर हो रहा है, तो चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या बनेगा आज डिनर में। उससे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं किचन में। ठंडी का टाइम है इसीलिए फ्रेंड्स सब बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि इस तरफ देखिए बाहर बाहरी एरिया है ना सब, तो बहुत ठंडा रहता है। यहाँ पर काफ़ी मतलब देख रहे हैं आप लोग, सब खुला हुआ है। बरामदा इतना काफ़ी बड़ा है यहाँ पर देखिए, तो इसलिए यहाँ पर। और ये किचन का डोर है ये मेरा, तो किचन में चलते हैं। और सब्जी मैं निकाल के आई थी नॉर्मल होने के लिए फ्रिज से। चलिए अब आगे काम करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं गोभी काट रही हूँ, आज शाम को डिनर में गोभी बनाना है। ये फ्रिज में रखे रखे भी काले हो जाते हैं। अभी रोज रोज तो सब्जियां लेने जा नहीं सकते, तो 3-4 दिन की एक साथ लाना पड़ता है। वैसे भी तिवारी जी को इतना छुट्टी रहती नहीं है कि वो मेरे साथ सब्जी बाजार चलें, तो एक ही बार हम लोग जाते हैं और 4-5 दिन का एक साथ ले आते हैं। गोभी को भी साफ करने में टाइम लगता है। कढ़ाई यहाँ पर हमारी गर्म हो गई है और मैंने देखिए गोभी कट कर लिया है, उसे धो भी लिया है और टमाटर और धनिया पत्ता मैंने काट लिया है। अभी मैंने पोटैटो कट नहीं किए हैं क्योंकि मैं सबसे पहले गोभी फ्राई करती हूँ। तो अभी पहले कढ़ाई गर्म हो गई है, ठंडी में जल्दी गर्म भी नहीं होती है। गोभी में तेल कुछ ज़्यादा ही लगता है और मैं इकट्ठा ही तेल डाल देती हूँ फ्रेंड्स, 2-3 बार अलग अलग नहीं डालती। और मेरा बनाने का तरीका भी अलग है, मैं हलवाई स्टाइल में ही बनाती हूँ। नॉर्मली एक साथ गोभी और आलू नहीं फ्राई करती हूँ, पहले मैं गोभी फ्राई कर लेती हूँ उसके बाद आलू फ्राई करूँगी। तो आप लोगों से शेयर करूँगी जैसे जैसे मैं बनाऊँगी। तेल गर्म हो गया, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। पहले गोभी को फ्राई करूँगी, टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे और जब तक हमारी गोभी फ्राई होती है तब तक मैं आलू धो के छील के काट लूँगी। इसे 400 पे कर देते हैं, अदरवाइज ये जल जाएगी। देखिए गोभी मेरी फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसी में ये कटे हुए पोटैटो ऐड कर दूँगी और इन्हें भी इसके साथ ही फ्राई करूँगी। मैं इसी तरह से फ्राई करती हूँ, इससे एक बार जो तेल हम डालते हैं उसी में हो जाता है, क्योंकि गोभी ज़्यादा तेल लेती है। गोभी ज़्यादा तेल लेती है इसलिए पहले गोभी फ्राई करते हैं, इसके बाद पोटैटो मैं उसी में डाल देती हूँ। बर्तन मैंने धुल के रखे हुए थे, ये दोपहर के बर्तन थे, काफ़ी देर से धुले थे, अभी से रखने जा रही हूँ। वहाँ पे गोभी और आलू फ्राई हो रहे हैं, मैंने सोचा चलो टाइम का यूज कर लेते हैं और बर्तनों को रख देते हैं। ज्यादा बर्तन नहीं है, हमारी गोभी और आलू फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनमें मसाले डालूंगी जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। सबसे पहले हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, फिर जीरा पाउडर,
रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा तेज़ी खाते हैं तिवारी जी और विम्मी निम्मी तेज़ी खाती हैं, तो उस हिसाब से सॉल्ट डालूंगी ताकि जल्दी सब्जी पक जाए। मैंने अच्छी तरह से इन सूखे मसालों को सब्जी में ऐड कर दिया है, आज मैं गीले मसाले नहीं डाल रही हूँ। और तब से मैं इन ये जो सामान है हमारे जो यहाँ से वहाँ करने पड़ते हैं इनको ले जा के रख दूँ। मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, क्योंकि ये सूखे मसाले हैं इसलिए इनको तेल में फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल दूंगी और इसको स्लो टेम्परेचर पे पकने के लिए रख दूंगी। इनफैक्ट इसी तरह से भूजते हुए फ्राई करते हुए हमारा हाफ सब्जी तो पकी जाती है। जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं आटा लगा लूं, ये काम भी हो जाए, फिर विम्मी आके सब्जी हो जाएगी तो विम्मी आके रोटियां बना देगी। तो आटा लगा के आधा घंटा पहले रख दो तो सेट हो जाता है, तो उससे अच्छी रोटियां बनती हैं। सब्जी देखिए, सब्जी ने पूरी तरह से तेल छोड़ दिया, यानी मसाले एकदम फ्राई हो चुके हैं और सब्जी भी 50% गल चुकी है। अब ये टाइम मैं इसमें पानी डालूंगी, जितने पानी की जरूरत होगी, क्योंकि तिवारी जी को ज़्यादा गोभी में पानी पसंद नहीं है तो इसीलिए कम ही पानी डालूंगी, क्योंकि रोटी से खाना है इसीलिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, इतना पानी काफ़ी है। पकेगा उसके बाद सब्जी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी से होगी, इतना पकने के लिए ठीक है। और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी से बॉइल होके पक जाए। अब इसे ढक देती हूँ, अब ये करीब 5 मिनट तक पकेगी। सब्जी देखिए बन चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से सब्जी चला रही, उल्टे हाथ से तो चल ही नहीं पा रहा है क्योंकि उल्टे हाथ से हमें प्रैक्टिस नहीं है ना। मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको कैमरा पकड़ा है मैंने कि सब्जी बन गई है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी, अब मम्मी आएगी और रोटियां बनाएगी। चलिए फ्रेंड, आज के व्लॉग को यहीं रेस्ट देते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल फिर आऊँगी एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, ज़्यादा बातें करने से फिर व्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाता है। ओके बाय।